गुड इवनिंग गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आप जानते हैं, मैंने रिसेंटली एक यामा आर1 5 परचेज़ की थी, जो आप मेरे यूट्यूब वीडियोस पे शॉर्ट वीडियो में भी देख चुके हैं। और इसको परचेज़ किए हुए मेरे को अप्रॉक्सीमेटली 4 महीने हो चुके हैं, और 4 महीने में ये बाइक जो है मैंने अप्रॉक्सीमेटली 4600 मैं इसको चला चुका हूँ। तो मैं अपना एक पर्सनल रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि बाइक का फीडबैक कैसा है, क्या इसमें नेगेटिव्स हैं, क्या इसमें पॉजिटिव्स हैं। जैसे कि अभी 2024 चल रहा है और कुछ लोग लेने की प्लान कर रहे होंगे, ठीक है, तो ये बाइक आपको लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए, किस कैटेगरी के लोगों के लिए ज़्यादा मतलब फिट है ये बाइक और किसके लिए बिल्कुल भी फिट नहीं है, तो ये मैं आपको अपने पर्सनल रिव्यू के अकॉर्डिंग मैं आपको बताता हूँ। बाइक के अंदर कोई कमी नहीं है, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन पे आप अपना भी रिव्यू पॉइंट दे सकते हो, ठीक है, कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है। मैंने जो खुद फील किया इस बाइक को चला के पिछले 4 महीने में, वो मैं आपके साथ रिव्यू शेयर करता हूँ। बट 155 सीसी का इंजन होने के बावजूद भी ये 150 को टच कर देता है। ये सबसे बड़ी बात है, अपने सेगमेंट में कोई बाइक ये नहीं कर पाती है, ठीक है। और आप आओ, मैं इसमें आपको फीचर्स बता देता हूँ क्या क्या मुझे फीचर्स मिले हैं, फिर उसके बाद इसके नेगेटिव एंड पॉजिटिव्स की बात करते हैं। तो इसमें मेरे को मिलता है फुल्ली डिजिटल मीटर कंसोल, इसका फुल्ली डिजिटल मीटर कंसोल है, ठीक है। और इसका हैज़ार्ड जो है वो इनबिल्ट है, कंपनी की तरफ से ही आया है। और इसके अंदर काफ़ी सारे मोड्स भी हैं, जैसे कि आपकी बाइक जो है वो एवरेज कितना दे रही है। एंड इसके अंदर ट्रैक्शन कंट्रोल एंड एबीएस, डुअल चैनल एबीएस है, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ करने का भी ऑप्शन है। आपकी बाइक कितना जो है पर आर किलोमीटर की एवरेज दे रही है और कितना स्पीड का मतलब हिसाब किताब है वो भी देती है। इसके बाद ये इंजन का आपको दिखाएगी टेम्परेचर कितना भी करंटली इंजन का टेम्परेचर है, जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें 60°C आ रहा है और कुछ इस तरह की लुक है इसकी। और यामाहा ऐप कनेक्ट के साथ आती है ये, तो इसका ऐप अगर डाउनलोड करके आप इसको कनेक्ट कर लेते हो तो लास्ट आपने बाइक कहाँ बंद की है, कहाँ एग्जैक्टली कहाँ पर लोकेशन है, सब पूरी डिटेल आपको मिलती है इसमें। और इसके यहाँ पे जो है वो वाइज़र आते हैं। ये थोड़ा सा मुझे मतलब पर्सनली अपने उस पर रिव्यू पे बता रहा हूँ मैं, ये थोड़ा मुझे उतना अच्छा नहीं लगा कि हाँ ठीक है, इन्होंने एक लुक देने की कोशिश करी है ZX10R टाइप के, यहाँ पे आपने साइड मिरर में दे दिए, बट ये जब ड्राइव आप करते हो उस समय अगर आपको ये एडजस्ट करना हो तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है एक ड्राइवर के लिए, एक राइडर के लिए इसको एडजस्ट करना। सो गाइज़, हम लोग फटाफट इसके 3 नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में बात कर लेते हैं जो मुझे पर्सनली फील हुए हैं, ठीक है। आप लोगों को वो फील होते हैं या नहीं होते हैं वो कमेंट सेक्शन में आप लोग बता सकते हो। तो पहले पर्सनली मुझे सबसे पहले फील हुआ, जैसे कि मैंने अभी देखो प्रोजेक्टर ऑन किया हुआ है, सो इसका जो लाइट का थ्रो है, आप अगर घुमा के पीछे की तरफ देखोगे तो वो थ्रो एक हाईवे लाइक नहीं है, इतना कोई खास थ्रो नहीं है इसका कि आप इसको नाइट में हाईवे पे ड्राइव कर सको। अभी ये खाली रोड है तो आपको लग रहा है, लेकिन अगर सामने से कोई गाड़ी आ रही होगी और उसका लो बीम पे भी होगा ना लाइट, तो इसका थ्रो गायब हो जाता है बिल्कुल, ठीक है। सेकेंड चीज़ जो मेरे को लगती है, इसका सिटिंग पोस्चर जो है मेरी हाइट के अकॉर्डिंग बहुत ही कंफर्टेबल है, मुझे कोई इशू नहीं होता। तो अगर आपकी हाइट 5'5", 5'6", 5'7" से अगर ऊपर है, आप मतलब 5'8", 5'9" या 6 feet के हैं, तो फिर आपके लिए ये बाइक बिल्कुल भी मतलब नहीं है। जो आपकी ये, मैं आपको बैठ के दिखाता हूँ, तो ये जो ये है पोस्चर, आपके जो पैर है ना वो सीधा यहाँ पे टच होते हैं, इस फ्रेम में टच होते हैं, जो मतलब अनकम्फर्टेबल फील होता है ड्राइव करते समय। और अगर आप सोलो राइडिंग करना चाहते हैं तो बेस्ट रही है 5'7" तक के बंदों के लिए, बट अगर आप पिलियन पीछे बैठना चाहते हैं तो फिर आपको बिल्कुल भी कंफर्ट मिलने वाला नहीं है। आप इसकी सीट देख सकते हो, बहुत ही छोटी सीट है, बहुत ही ज़्यादा छोटी, और हाइट अप होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा डिसकम्फर्ट फील होता है। तो ये थे इसके नेगेटिव्स, अब मैं आपको कुछ पॉजिटिव आपके इसको गिनाता हूँ। पॉजिटिव सबसे पहला बड़ा जो पॉजिटिव है, जो सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है इसका, वो ये है कि 155 सीसी का इंजन होने के बावजूद भी 145-150 टच करता है, और ये बहुत ही अच्छी बात है। एंड इतना एक्सेलरेशन होने के बावजूद भी, इतनी पावर होने के बावजूद भी, आपको माइलेज, जो सेकंड पॉइंट है, माइलेज आपको इसकी लोकल में 40 से 45 मिलने वाली है। हाईवे पे मैंने खुद पर्सनली इसको 52 की माइलेज जो है मैंने खुद निकाली हुई है हाईवे पे, और अभी तक जो मैंने इस पर लॉन्ग राइड की है वो की है अप्रॉक्सीमेटली 250 किलोमीटर सिंगल शॉट, तो वहाँ पर मेरे को 52-53 की माइलेज इसने प्रोवाइड की थी। और बाकी तो इसमें जो भी है वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो अब आते हैं कि किस किस को ये बाइक लेनी चाहिए और किसको नहीं लेनी चाहिए। सबसे पहला है कि आपकी अगर हाइट, तो
फर्स्ट पॉइंट है हाइट। अगर आपकी हाइट 5'7" से अबव है तो आप इसको मेरे हिसाब से आप इसको प्रेफर ना करें, बिकॉज बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट फील होता है, बहुत ज़्यादा सिटिंग पोस्चर अग्रेसिव है, तो उसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम होने वाली है ड्राइव करने में। सिटी में अगर आप ड्राइव करना चाहते हैं तो बहुत प्रॉब्लम है। उससे कम हाइट वाले जो बंदे हैं, सेकंड पॉइंट जो है वो है इसका प्राइस। इस प्राइस सेगमेंट में आपको 200cc 250cc भी बाइक मिल जाएगी, बट ये 155cc के लिए अप्रॉक्सीमेटली 220,000 चार्ज करते हैं, तो एक ये प्राइस थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है। ठीक है, तो बजट जिसका इतना नहीं है वो इसमें ना जाए। तो अब आ जाते हैं कि किसको ये बाइक लेनी चाहिए। जैसा कि आप देख सकते हो, मैं खुद एक यंगस्टर हूँ, ठीक है, हालांकि मैं कॉलेज वगैरह में तो नहीं हूँ, बट मैं खुद एक यंगस्टर हूँ। तो फर्स्ट पॉइंट मैं यंगस्टर्स के लिए बोलना चाहूँगा कि जैसे कि हम स्कूल कॉलेजेस में जाते हैं, हमें टोरा काटना होता है, एक टशन दिखाना होता है, तो उन लोगों के लिए भाई साहब ये बाइक जो है ना, इसके मतलब मुकाबले में फिर कोई दूसरी बाइक है ही नहीं। रोड प्रेजेंस इस बाइक की जो है उसके मुकाबले कुछ नहीं है। सेकंड जो इसका सबसे बड़ा पॉजिटिव है वो ये कि अगर आप इसमें लेने के बाद, स्टॉक बाइक को लेने के बाद, ज़्यादा नहीं, मुश्किल से मुश्किल आप 6,000 से 8,000 रुपये खर्च करो, तो इसकी रोड प्रेजेंस आप किसी भी सुपर बाइक के बगल में आप इसको खड़ा कर दोगे ना, तो बंदा ये नहीं कह सकता कि ये कोई सुपर बाइक, 155cc की बाइक नहीं है, ये कोई 1000cc की बाइक है। इसका रोड प्रेजेंस इतना प्यारा है। ठीक है, सो गाइज, मैंने अपना पर्सनल रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर किया है। आपको ये बाइक पर्सनली कैसी लगती है आप कमेंट सेक्शन में मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। और जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा अंधेरा हो चुका है, तो हम लोग चलते हैं और आप लोगों से मिलते हैं अगली वीडियो में।